केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। भाजपा कार्यकर्ताओं ने बुधवार को लेटीपाड़ा क्षेत्र के कई गांव में भव्य रूप से बाइक रैली निकाली। भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय मंत्री मिस्फिका हसन के नेतृत्व में पदयात्रा भी निकाल करके भाजपा प्रत्याशी बाबूधन मुर्मू को भारी मतों से जीत के लिए लोगों से अपील किया। बाइक रैली में काफी संख्या में कार्यकर्ता शामिल थे, जो कन्नन घाटी, बिचा महल, कुकुरडुभा, जितालपुर, टिकलोडी, पाडेरकोला सहित कई गांव में जाकर लोगों को भाजपा प्रत्याशी बाबूधन मुर्मू को जिताने के लिए संवाद किया। मिस्फिका हसन के नेतृत्व में बिचा महल आदि गांव में पदयात्रा निकाली गई, जिसमें भाजपा कार्यकर्ता सहित अन्य लोग शामिल हुए। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि लिट्टीपाड़ा विधानसभा क्षेत्र बीते 50 वर्षों से जेएमएम के कब्जे में रहा है, पर आज भी यहां के लोग पेयजल, सरकारी स्वास्थ्य सेवा, रोजगार आदि के लिए तरस रहे। अभी तक क्षेत्र के समुचित विकास नहीं किया गया, इसलिए इस विधानसभा क्षेत्र में परिवर्तन की आधी दौड़ पड़ी है। आपके एक वोट से भाजपा की जीत सुनिश्चित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सशक्त करने के लिए भाजपा को जिताएं। इस अवसर पर अर्चा प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य अनीता मुर्मू, जिला मंत्री जवामु मरांडी, मंडल अध्यक्ष धनेश्वर साह आदि मुख्य रूप से उपस्थित थे। जनता जनविश्वास का महापर्व जो है शुरू हो चुका है झारखंड में। झारखंड विधानसभा चुनाव की जब हम बात करते हैं तो लगातार लिट्टीपाड़ा विधानसभा में अभी हम मौजूद है, और लिट्टीपाड़ा विधानसभा के तमाम जो कार्यकर्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो अपने कैंडिडेट के लिए लगातार चुनावी जनसंपर्क कर रहे हैं और जनता के बीच जो है जा रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की अल्पसंख्यक महामोर्चा के महामंत्री जी, हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे पहले बातचीत कर लेते हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है जी। बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार चुनावी क्षेत्र में आप लोग घूम रहे हैं, कैंपेन कर रहे हैं, क्या वास्तविक स्थिति है अभी वर्तमान में लिट्टीपाड़ा? लिट्टीपाड़ा हम लोग जीत रहे हैं, ये हम लोग को पूर्ण विश्वास है, और इतिहास रचने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी इस विधानसभा में इतिहास रचने जा रहा है। आज हम लोग का यहाँ पे बीचा महन मंडल में जो है भारतीय जनता पार्टी का मंडल कार्यालय का उद्घाटन भी हुआ है, और लोगों का उत्साह बहुत एकदम चरम पर है। आज महिला हम मातृशक्ति हमारे साथ है, तो इसमें हम लोग यही बोल सकते हैं कि इस बार भारतीय जनता पार्टी यहाँ से जीत रही है। विकास की राजनीति हम लोग कर रहे हैं, विकास का मुद्दा लेकर ही हम लोग जनता के बीच जा रहे हैं। मतलब कि जो 40 सालों की जो हम बात करते हैं, लगातार जेएमएम का कब्जा रहा इस सीट पे, इस सीट पे आप लोग जो मेहनत कर रहे हैं, ये 40 सालों का इतिहास बदलेगी? बिल्कुल बदलेगी। लोग यहाँ पे त्रस्त है, हम लोग गांव-गांव जा रहे हैं, टोला टोला जा रहे हैं, मोहल्ला जा रहे हैं, लोगों का फीडबैक है वो ले रहे हैं। महिलाएं परेशान है, यहाँ पे हम लोग के पेयजल की व्यवस्था नहीं है, गांव घर में महिला इतना दुख और परेशानी में है। तो ये जो है इतिहास हम लोग का इस बार बदलने वाला है, हम लोग रचने जा रहे हैं, और यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी 40 साल बाद जो है यहाँ पे अपना सत्ता में आएगी। 40 साल बाद भारतीय जनता पार्टी मतलब लिट्टीपाड़ा में सत्ता में आएगी। तमाम जो कार्यकर्ताओं का जो जोश है, जुनून है, वो आप देख सकते हैं। सुबह के करीब अभी 9:30 बजे हैं और इतने सुबह सुबह कार्यालय का उद्घाटन हुआ। तमाम जो कार्यकर्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, तमाम जो लोग हैं वो अपने तरफ से निकल के चुनावी प्रचार में लगे हुए हैं। यहाँ पे देखिए तमाम जो जनता है, क्या लग रहा है इस बार चुनाव जीतेंगे आप लोग? माहौल बढ़िया बनाए हुए, क्या कहना चाहेंगे आप? जीतेंगे हम लोग, मतलब अंदर से एकदम कॉन्फिडेंस लेवल हाई से, और हम लोग महिला भी एकजुट हो रहे हैं, और इसलिए हम लोग एकजुट हुए 40 साल से जो जेएमएम राज करी है, और यहाँ बेवकूफ और मूर्ख बना के हम लोग को रखे हुए हैं आदिवासी को, और आदिवासी के साथ ये चलने अब नहीं देंगे। इसलिए कि हम लोग महिलाएं, हम लोग का परेशानी न मेडिकल है, न स्वास्थ्य के लिए सोच रहे हैं, और अभी जो हम लोग के पास जेएमएम का जो कैंडिडेट हैं, इसके पहले भी वो अपना मंत्री स्वास्थ्य विभाग कर रहे, क्या क्या उसने, क्या उसका कर्तव्य था, क्या स्वास्थ्य के बारे में उसको मालूम नहीं है कि यहाँ महिला दर दर भटक रहे हैं? कोई महिला गर्भवती के समय हॉस्पिटल जा रहे हैं तो वहाँ सीजर का नौबत आ रहा है, नौबत आ रहा है, वहाँ मशीन नहीं है, यहाँ से रेफर कर रहे हैं सदर, वहाँ भी मशीन का उपलब्ध नहीं है। तो ये बताइए, स्वास्थ्य मंत्री रहने के बावजूद उसको ये चीज़ सुविधा नहीं किया। इसलिए हमारे पास जो आदिवासी हैं, हम लोग तन मन धन से इस बार 40 साल जो हम लोग को शोषण किया उसको हम लोग उखाड़ के फेंक देंगे, और हम लोग का कैंडिडेट, हम लोग का सरकार बाबूलाल मरांडी को हम लोग संस्था में बैठाएंगे। चलिए देख सकते हैं तस्वीरों में तमाम जो महिला मोर्चा के पदाधिकारी हैं, तमाम जो अल्पसंख्यक समाज के जो पदाधिकारी हैं वो भी क्षेत्र में घूम रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं, और तमाम जो माहौल है उसे बनाने की कोशिश कर रहे हैं। एक सवाल और लेंगे मैम से कि अब जो है दूसरे चरण में यहाँ पे इलेक्शन होना है, महज मुश्किल समय लग रहा है, 15 से 16 दिन बचा है चुनाव का, क्या लग रहा है आने वाला जो समय होगा, तमाम जो पार्टी के जो लीडर हैं वो यहाँ कूच करेंगे, क्या वास्तविक स्थिति जो है अभी जमीन पे वो कैसा दिख रहा है आपको? देखिए यहाँ पर तो झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस पार्टी का सत्ता रहा 5 साल, उन्होंने राज किया,
और जो यहाँ बदलाव होना चाहिए था, जो विकास संथाल परगना में होना चाहिए था, वो विकास नहीं हुआ है। हमारे इस लिट्टीपाड़ा विधानसभा को सबसे पिछड़ा विधानसभा, पूरे भारतवर्ष में सबसे पिछड़ा विधानसभा के रूप में जाना जाता है। आज भी यहाँ पे लोग मूलभूत जो जरूरतें हैं, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, इनके लिए आज लोग जद्दोजहद कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। इतनी बेसिक सुविधा अगर आप नहीं दे सकते यहाँ के लोगों को, तो फिर सत्ता में रहने का आपको कोई हक नहीं है। और यहाँ की जनता ही सबक सिखाएगी इस बार। लगातार चुनावी विकास, एक चीज, एक शब्द हम ले रहे थे, चुनावी विकास, मतलब आप समझ सकते हैं विकास हुई या नहीं हुई। जनता में काफी आक्रोश है, बदलाव की जब हम बात करते हैं तो जनता लगातार कह रही है कि बदलाव इस बार लिट्टीपाड़ा में अवश्य होगा। हमारे साथ तमाम दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। लिट्टीपाड़ा से केशव सिंह की रिपोर्ट। देखिए लिट्टीपाड़ा विधानसभा में अभी मौजूद है, सड़कों पर जो है राजनीति जो है सज चुकी है। राजनीति की जब हम बात करते हैं तो लगातार पूरे झारखंड में विधानसभा चुनाव की जो सरगर्मी है वो बढ़ा हुआ है। तस्वीरों में देखिए तमाम जो भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता है वो सड़कों पे घूम रहे हैं, गांव गांव पे घूम रहे हैं और लोगों से मिल रहे हैं और अपने पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये तस्वीर देखिए, ये कहीं कहीं कहाँ से आ रहे हैं भाई जी आप? नालपारी से। क्या लग रहा है, जीतेगा? कौन जीतेगा? बाबूधन। बाबूधन जीतेगा? हाँ जीतेगा। पूरा एकदम देखिए झंडा है, ये भारतीय जनता पार्टी का झंडा है और सभी कार्यकर्ता जो है सर पे, शरीर पे, बाइक पे बांध लिए हैं। और ये जो समय है ये निकल चुका है लिट्टीपाड़ा विधानसभा में। हर एक गांव, हर एक मोहल्ला में की जो तस्वीर आप देखेंगे तो ये झारखंड की तस्वीर है, जहाँ पे अभी जो लिट्टीपाड़ा विधानसभा के जो प्रत्याशी बाबूधन मुर्मू है उनके पक्ष में प्रचार करने के लिए तमाम जो लोग हैं, कार्यकर्ता जो है वो निकल रहे हैं और घूम घूम रहे हैं। कैसा माहौल दिख रहा है भाई साहब आपको? एक नंबर में है हम लोग, ऐसे चुनाव चुनाव का ये भी मिला है, एक नंबर में जीतेंगे ही हम लोग। मतलब एक नंबर क्रमांक भी है और एक नंबर रहेंगे भी। रहेंगे भी एकदम एकदम एक नंबर, एक नंबर भगवान छाएगा। हाँ भगवान छाएगा। हाँ किसी से डर नहीं है। और कार्यकर्ताओं से हम बातचीत करेंगे। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, तमाम जो वर्कर्स हैं वो निकल चुके हैं अपने कार्यकर्ता के प्रचार करने में। कैसा माहौल है? अच्छा माहौल है, बढ़िया माहौल है, बढ़िया। जीत रहे हैं? हाँ जीत रहे हैं। कौन जीत रहा है? बाबूधन वाला है, बाबूधन मुर्मू। हाँ मतलब क्या, कौन छाप है उनका? कमल छाप है उसका, कमल छाप है जो एकदम जीत रहा है, पूरा श्योर के साथ। चलिए देखिए ये लोग हैं और ये झारखंड की सियासत है, जहाँ पे राजनीति की जब हम बात करते हैं तो यही लोकतंत्र है और लोकतंत्र में सभी को अपना पक्ष रखने का अधिकार है। तस्वीरों में आपको दिखाई दे रहा होगा किस तरह से कार्यकर्ता जो है अपने अपने जो उम्मीदवार है उनका प्रचार करने के लिए निकले हुए हैं। और इसी की तस्वीर जो आपको लिट्टीपाड़ा के विभिन्न जगहों पे मिलेगा, पाकुड़ की विभिन्न जगहों पे मिलेगा, बाकी की भी तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे। ये देखिए कार्यकर्ता जो है निकल रहे हैं, इनकी दिखाइएगा, ये लोग जो है निकल रहे हैं, इनकी तस्वीर जो है हम आपको दिखाएंगे। ये भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद भारतीय जनता पार्टी, जिंदाबाद जीतेगा, 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 बाबूधन मुर्मू जीतेगा। और ये माहौल है, ये राजनीति है, इसी सभा को हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए ये कार्यकर्ता निकल रहे हैं, अपने अपने क्षेत्र में प्रचार कर रहे हैं। बड़े केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर।